नमस्कार, मुंबई के थाने की दर्दनाक घटना जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 29 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर एक महिला रिश्तेदार की मदद से अपनी मां की गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी। मां को महिला रिश्तेदार से बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। नारपोली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मदन बलाल ने बताया कि यह घटना भिवंडी में हुई और आरोपी ने शुरू से इसे दुर्घटना बताकर बचने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति एवं उसकी महिला रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला मां बेटे के साथ उनके घर पर ही रहती थी। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार से रिश्तों को लेकर आरोपी की मांग का उससे अक्सर झगड़ा होता था। अधिकारी के मुताबिक मंगलवार को दोनों ने बेल्ट से गला घोटकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि शुरू में तो आरोपी पुरुष ने इस घटना को दुर्घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की शिकायत एवं घटना की जांच के बाद पुलिस ने उसे और उसकी महिला रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में फिलहाल दोस्तों आगे की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये कैसा बेटा है जो अपने ही माँ का गला घोटकर हत्या कर दिया, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र से सभी ताजा खबरें से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।